तो आपने बचपन में छोटी मोटी नाव तो बहुत बनाई होगी, लेकिन आज मैं बनाने वाला हूँ चार्ट पेपर से एक बहुत बड़ी नाव, और जिसको हम इस पानी में तैराने वाले हैं। क्या लगता है ये पानी में तैरेगा या फिर जाते ही डूब जाएगा? वेल, इसका पता लगाने के लिए हमें एक नाव बनाना ही होगा। तो मैं जाके अपने नजदीकी दुकान से बहुत सारे चार्ट पेपर ले लेता हूँ, और अब हमें इन सारे चार्ट पेपर को एक साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा पेपर बनाना है। तो ये काम करने के लिए मैं अपने दोस्तों की मदद ले लेता हूँ, और हम पूरा पेपर एक टेप से चिपकाने लगते हैं। और पूरे 2 घंटे की मेहनत के बाद हम पूरा पेपर चिपका देते हैं एक दूसरे में, और एक बहुत बड़ा पेपर तैयार हो जाता है हमारे पास। एंड अब हम इस बड़े पेपर का एक नाव बनाने वाले हैं, लेकिन हम एक बड़ा नाव बनाने से पहले एक छोटी नाव बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी बड़ी नाव। तो छोटी नाव तो हमारी कुछ सेकंड्स में तैयार हो गई, एंड अब बनाते हैं इस चार्ट पेपर से नाव। और पेपर को थोड़ा यहाँ वहाँ फोल्ड करने के बाद तैयार है हमारी चार्ट पेपर की एक बहुत बड़ी नाव। गाइज, नाव तो बन गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मोड़ने के बाद ये यहाँ वहाँ थोड़ा फट गया था, तो हमने इस पर टेप लगा दिया है। तो नाव तो बनी गई है, तो मैं सोचा क्यों ना अपने चैनल का भी यहाँ पे एक नाम लिख दिया जाए। तो मैंने बड़े में फॉलिक्स लिख दिया अपने चैनल का नाम। एंड अब चलते इसको तैराने। तो गाइज, ये हमारी नाव जो बन के तैयार हो चुकी है, एंड अभी इसको हम जा रहे हैं तैराने, और इसको हमने पन्नी से इसलिए कवर किया है ताकि भीग न रहे, कभी भी बारिश हो सकती है। तो चलो तैराते इसे। गाइज, मैंने नाव तैराने के लिए ये वाली लोकेशन ली है, क्योंकि हम बहते हुए पानी में अगर अपनी नाव तैराएंगे तो काफी दूर तक जाएगी, और हमें देखने में काफी मजा आएगा। ये 1, 2 और 3। गाइज, अपनी नाव तो बस 3 सेकंड ही तैरी और उसके बाद फोल्ड हो गई। पूरे 2 घंटे की मेहनत 2 सेकंड में बर्बाद हो गई। हमारी नाव तो डूब चुकी यार, बहुत प्यारी थी, पर अगली बार इसे तैराएंगे अब। तो गाइस, हमने 2 घंटे पूरे मेहनत किए ये नाव को बनाए थे, बट ये जाते 2 सेकंड में क्रैश हो गई। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उसके अंदर, पर अगली बार और अच्छे ट्राई करेंगे। आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दो।